मातम में बदल गया दशहरा। जी हां, आपको बता दें कि अमृतसर की घटना में करीब 100 से ज़्यादा लोगों की मरने की उम्मीद है, और ऐसे में ये बताए जा रहे हैं कि अधिकतर लोग उत्तर प्रदेश, बिहार और ऐसे हिंदी भाषी राज्यों से बिलोंग करते हैं जहां पर हिंदू धर्म की महत्ता ज़्यादा है। आपको बता दें कि रावण दहन को देखते समय वहाँ पर जब ट्रेन इकाई गुजरी तो उसकी आवाज़ उस दहन के समय लोगों को सुनाई नहीं दी, जिसके चलते ट्रेन की स्पीड में करीब 50 से ज़्यादा लोग चपेट में तुरंत आ गए। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई कि कितनी मौतें हुई हैं, लेकिन इस दर्दनाक हादसे में 100 से ज़्यादा मौतों की उम्मीद है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि लापरवाही किसी की भी हो, लेकिन इस दशहरे पे मातम में बदल गए हैं कई परिवारों का दर्द, और अब देखना यह है कि सरकार क्या करती है, और कल सुबह तक हमें सही रूप से पता चल पाएगा आखिर मौतें कितनी हुई हैं। कहीं ना कहीं आज अमृतसर की धरती खून से